फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के हम 12 भाग निमी क्वेश्चन बैंक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आइए अब इसका भाग 13 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द कैरियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन, कि कैरियर जर्नी जो होती है किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम एड्रेस, यानी होम एड्रेस से कैरियर की जर्नी यानी कैरियर की शुरुआत से कोई मतलब नहीं होता है कि हमारा होम एड्रेस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी, कैरियर जर्नी की मीनिंग क्या है। इसमें हो जाएगा इट्स इंक्लूडेड मल्टीपल जॉब्स, यानी कि इसमें जो होता है मल्टीपल जॉब्स, विभिन्न तरह की नौकरियाँ इंक्लूड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कैरियर इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कैरियर क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दिस इज ए पार्ट ऑफ ए कैरियर डेवलपमेंट, इसमें से कैरियर डेवलपमेंट का कौन सा एक पार्ट है। इसमें हो जाएगा योर एबिलिटी, यानी एबिलिटी डिपेंड करती है, योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है, योर डिटर्मिनेशन भी डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन इंट्री लेवल जॉब, इंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इट इज स्टार्टिंग फॉर ए जर्नी इन लेवल जॉब, जूनियर लेवल जॉब, यानी कि अपने कैरियर की शुरुआत करना एक जूनियर लेवल जॉब के साथ। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरियर लेवल जॉब था ना, हाँ इट इज ए स्टार्टिंग और मतलब स्टार्टिंग यानी जॉब की शुरुआत करना इंट्री लेवल जॉब कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। 6 में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द कैरियर कार्ड या कैरियर पाथवे पोस्टर, यानी कैरियर कार्ड या कैरियर पाथवे ये पोस्टर क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ए कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कैरियर इन वन प्लेस, यानी एक प्लेस में कई प्रकार के जॉब की इंफॉर्मेशन देना ही कैरियर कार्ड या कैरियर पाथवे पोस्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, कैरियर पाथवे कैन हेल्प यू फाइंडिंग योर वे अमंग द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, यानी कैरियर पाथवे आपको मदद करता है आपको वो हजारों विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को चुनने के लिए। क्या यह बात सत्य है, हाँ यह बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्केट स्कैन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड ट्रेंड एंड चेंज इन द वर्ल्ड टू वर्क। मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की दुनिया में रुझानों और परिवर्तनों को समझ सकते हैं। हाँ यह अभी क्या बात है, बिल्कुल सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड ए कैरियर, और डिफरेंट सोर्सेज को इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड ए कैरियर, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स क्या हैं, विभिन्न सोर्स क्या हैं सूचना देने के लिए अपने कैरियर को समझने के लिए। न्यूज़पेपर से भी हमें प्राप्त होता है, कैरियर गाइडेंस एजेंसियां से भी प्राप्त होता है, डिस्कशन विथ प्रोफेशनल के साथ डिस्कशन करने से भी प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है, ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग कैरियर्स आर रिलायबल, यह भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स, कौन सी वेबसाइट पॉपुलर नहीं है अपने जॉब को खोजने के लिए। तो यह क्या हो जाएगा, twitter.com ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर है, कैरियर पाथवे हेल्प अस इन, कैरियर पाथवे निम्न में से किस पे निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए पर्सन कैन नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, यानी एक व्यक्ति के पास समान रुचि और क्षमताएं नहीं हो सकती हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वी कैन डेवलप आवर एबिलिटीज इन पर्टिकुलर एरिया इफ़ यू इंटरेस्टेड इन इट, हम अपने एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम उसमें इंटरेस्ट यानी कि रुचि रखते हैं। तो यह क्या बात क्या है, बिल्कुल सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाई इज़ द इम्पॉर्टेंट टू अलाइन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज इज टू द वर्क दैट यू डू, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ द एबव, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 में दिया हुआ है कि
चूज ए स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू ऑफ स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल्स के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि इसको समझना मुश्किल होता है, नहीं या इसको समझना, स्मार्ट गोल्स को समझना बिल्कुल आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है व्हाट डज यम स्टैंड फार इन द स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में यम का मतलब क्या होता है, यम का मतलब मेजरेबल होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं ए रिज्यूम इज, एक रिज्यूम क्या है, ए डॉक्यूमेंट्स अबाउट वन स्किल एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी स्किल्स के बारे में, एबिलिटीज के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका कितना एक्सपीरियंस है उसके बारे में रिज्यूम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल एड्रेस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ वंस, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द रिज्यूम, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, वंस पर्सनल डिटेल इन द रिज्यूम। पर्सनल डिटेल्स में हम क्या क्या लिखते हैं, पर्सनल डिटेल्स में ही सब लिखा जाता है ना, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सब किसके अंतर्गत होता है, पर्सनल डिटेल्स के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है राइटिंग वैल्यू स्किल्स लाइक हार्ड वर्क, फ्रेंडली नेचर, हॉनेस्टली, कि मैं बहुत ही हार्ड वर्क हूँ, मतलब मित्रतापूर्वक व्यवहार करता हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, क्या यह सब अब अपने रिज्यूम में लिखने से अवॉइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, यह ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ए फैक्चुअल रिटेन रिज्यूम इज योर फर्स्ट वे ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयर। ए फैक्चुअल रिटेन रिज्यूम, एक जो फैक्चुअल रिटेन रिज्यूम होता है जो फर्स्ट वे ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के पास हम जाते हैं, यह हमारा प्रथम मतलब मार्ग होता है अपने एम्प्लॉयर को अपने बारे में बताने के लिए, तो हाँ यह भी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट चूज कॉमन जॉब सर्च इंजन एंड फ्रॉम बिलो, निम्न में से कौन सा कॉमन जो सर्च इंजन है जॉब को प्राप्त करने के लिए क्या है, नौकरी डॉट कॉम भी है, टाइम्स जॉब डॉट कॉम भी है, लिंक्ड इन भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं राहुल डाउट्स दैट सम द जॉब पोस्टिंग ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सोशल मीडिया एक्सेट्रा आर नॉट जेन्यू, चूज द ऑप्शन बिलो द हेल्प राहुल आइडेंटिफाई द फेक जॉब पोस्टिंग, एंड फेक जॉब पोस्टिंग के लिए कौन से आइडेंटिफाई करता है, इसमें भी आ गया है ऑल ऑफ द एबव, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जॉब रोल्स डिस्क्राइब्स द स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ टास्क वन हैज टू परफॉर्म इन द वर्क प्लेस, यह भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है चूज द साइन एप फेक जॉब पोस्टिंग, यानी कि कौन से जो साइन है जिसके सिंबल है जिसके द्वारा हम फेक जॉब पोस्टिंग की पहचान कर सकते हैं, है कि जॉब पोस्टिंग्स विथ अनक्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में सही से ना बताना है, फेक जॉब पोस्टिंग की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इंटरव्यू इज द वे फॉर द एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट टू गेट टू नो ईच अदर, यानी कि इंटरव्यू एक मार्ग है एम्प्लॉयर और कैंडिडेट को जानने के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, जिससे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस ए कैंडिडेट्स नीड्स टू प्रिपेयर हिम सेल्फ या हर सेल्फ इन थ्री स्टेजेज, चूज द थ्री स्टेजेज फॉर गिवेन बिलो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है व्हेन एन इंटरव्यूअर आस्क यू टू सेल मोर अबाउट योर सेल्फ यू कैन शेयर, इसमें भी आ गया है ऑल ऑफ द एबव, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, इफ यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो दैट व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यू शुड कैरी, अगर आपका इंटरव्यू मतलब कल है तो आपके लिए ओरिजिनल मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, ये मल्टीपल कापीज या फिर रिज्यूम कापी का अपने रिज्यूम की कई फोटोकॉपी कराना, यह भी बिल्कुल सत्य है। आईडी प्रूफ होना चाहिए लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, पासपोर्ट एक्सेट्रा, ओरिजिनल फोटोकॉपी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी होना चाहिए और फोटोकॉपी होना चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यह जो था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए लास्ट वन वीडियो था, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो भाग 14 होगा और यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न यहीं से आएंगे।